क्या हाल चाल है दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? देखो थोड़ी तबीयत मेरी डाउन है, थोड़ा सा तो फील हो रहा है यार, डाउन है या ये कल रात का जस्ट लाइक नींद वाला हैंगओवर है ये मुझे नहीं पता। क्योंकि भाई तुम जानते हो 3:30-4 बजे तो मैं घर आया, फिर मैं जो सोते होते 5:30 बज गए 5:30-6 तक, और मैं फिर 11:30-11 तक उठ गया। ठीक है, तुम लोगों के हिसाब से नींद तो भाई बढ़िया हो गई होगी ना 4-5 घंटे की, पर भाई नहीं, पता नहीं क्यों। एक होता है ना कि आप जब लेट मॉर्निंग सोते हो ना, आप जितने बजे उठो नींद लगता है कि यार पूरी नहीं हुई, बकायदा आप 3-4 बजे तक उठ रहे हो, तो चलो किस्सा ही अलग है, पर वो तो हम कर नहीं सकते ना, क्योंकि यार फिर काम काज भी देखने पड़ते हैं आज के, कैसे कैसे क्या है ना। देखो रोहिणी निकल रहा हूँ मैं, बता देता हूँ। एंड सबसे पता है क्या है, कल मैंने राजमा बनाया था, पहले तो राजमा इतनी गैस करती है, दूसरा मैंने ना कल रात में ही एक रोल मंगा लिया था, नॉर्मल होता है ना वो, मिक्सचर नहीं होता, भुजिया क्या बोलते हैं उसे, बीकानेरी भुजिया, वो सब मिला के तांते में डिश तो अलग ही होती है भाई। सुबह से इतनी ज्यादा गैस हो रही ना पेट में, इतना डाउन सा मुझे लग रहा ना अपने अंदर की, हाँ यार लाइक डाउनर में हूँ मैं गाइस, डाउनर में मुझे सब बेकार लग रहा है जीवन में गाइस। क्या है ये गाड़ी मेरे सामने स्कॉर्पियो, ये ठीक क्यों है मेरे सामने, खराब क्यों नहीं है, इसको भी सेकंड ओनर तो नहीं मिली, कहीं इसको पता ना हो और मैं इसको फायदा दिला दूं। वही है गाइस, कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं, मतलब नींद पूरी नहीं हुई ना तो वो वाली बात है, थोड़ा लग रहा है। बाकी सबसे मेन चीज, चलो ये सब तो बात की बात है, तुम गाड़ी पे देख रहे हो पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल पूरा खत्म है, डिस्टेंस टू एम्प्टी मैं एक भी किलोमीटर नहीं दिखा रहा तुम्हें, रिजर्व में चल रही है गाड़ी। और ये जो रूट है ना मेरे इधर से रोहिणी आने का, भाई इसमें तो मुझे लगता है पूरे रास्ते का ही पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला, मुझे ऐसा फील आ रहा है। बाकी यहाँ सबसे मेन चीज दोस्तों, चंद्रयान 3 हमारा लैंड हो चुका है मून में, एंड मैंने तो भाई, चलो एक चीज है मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ठीक है, जब भी ऐसी कोई नई खबर हम सुनते हैं ना, अगर तुम्हें उसका नहीं पता तो मैं तुम लोगों को सजेशन दूंगा कि ना थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा यूट्यूब पे देख लो, ठीक है। मेरे साथ खुद ऐसी गलती होती है, कोई मैं नहीं देख पाता, बस सुना सुना है कि हाँ चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, लॉन्च बोल रहा हूँ, अपना लैंड हुआ है, फिर कन्फ्यूजन होती है कहाँ, जब हम सुनते हैं हाँ मंगलयान भी तो लैंड हुआ था, लॉन्च भी हुआ था, लैंड भी हुआ था, तो चंद्रयान और मंगलयान में डिफरेंस क्या है सब कुछ। तो जितने लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 2 भी मून के सदर्न पोल में लैंड करना चाह रहा था, बेसिकली जिस तरफ से अपने को दिखता है मून, जो लैंड जो लाइट आती है जहां से, ठीक है, जो वो वाला पार्ट है जो हमको विजिबल है, उसके अपोजिट साइड जो आज तक किसी ने डिस्कवर नहीं किया, वही पे लैंड कराने के लिए रशिया और ये सब बहुत ट्राई कर रहे थे, जो कि लैंड नहीं हो पाया। चंद्रयान 2 भी हमारे बहुत दिक्कत हो गई थी, वो भी लैंड नहीं कर पाया था, लैंडिंग गियर्स में थोड़ी गैस, तुम जानते हो ना, लैंडिंग गियर्स पे दिक्कत आ गई थी, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ मैं, लैंडिंग गियर लास्ट में जो उनका ऑर्बिट उन्होंने छोड़ा था, लास्ट मौके में थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया, सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत आ गई, क्योंकि -200 पार वहाँ पे टेम्परेचर होता है। बेसिकली चंद्रयान 3 ने यार फ्यूचर, जैसे बोलते ना फ्यूचर बना दिया इंडिया का ना, मतलब हमें इतना प्रॉफिट हो सकता है ना उस। अच्छा एक और चीज़ है, क्या होता है कि ना सैटेलाइट तो मून के आसपास पूरा रिवॉल्व करेगी, विक्रम लैंडर लैंड हुआ है, ठीक है, तो विक्रम लैंडर लैंड होने के बाद ऑफ कोर्स हमने जो पिक्चर्स देखी, जो हमने सबने इंस्टाग्राम स्टोरीज में लगाई, तो उससे तुम समझ सकते हो विक्रम लैंडर है, और सैटेलाइट से हमें बहुत कुछ मून के बारे में पता। अरे तुम समझ लो एक भी वीडियो देखना, ठीक है, मैं तो बोलता हूँ दुर्गा, ठीक, तो वीडियो मैंने देखी नहीं है, पर मुझे नाम नहीं आ रहा, याद आ रहा है एक नया यूट्यूबर है, चैनल थोड़ा सब्सक्राइबर ज़्यादा ही है, पर किसी बढ़िया बंदे की वीडियो देखना, तो मैं सपोर्ट, मैं बोलता हूँ पता लगना चाहिए, क्योंकि मैंने भी कांग्रेस के बंदे का देखा मैटर, वो क्या बोलता कि हाँ चलो चंद्रयान 3 लैंड हुआ, तुमने सुना होगा शायद कुछ लोगों ने, चंद्रयान 3 लैंड हुआ है बहुत बढ़िया, और हमने सुना है कि सेफ लैंड हुआ है, तो उसमें जो यात्री थे वो भी सेफ लैंड हो गए, बहुत मतलब इस तरीके से उसने स्टेटमेंट दिया कि हाँ चंद्रयान 3 के अंदर जो यात्री थे वो भी सेफली पहुंच गए लैंड होने से। यार क्या व्हाट द फिश वाली बात हो रही है यहाँ पे, हाँ ठीक है चलो गलती हो गई उन कांग्रेस ने दस है, पर भाई नेटिजन्स, सोशल नेटिजन्स, नहीं सोशल मीडिया नेटिजन्स कहाँ छोड़ेंगे और क्यों छोड़ेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे, बेसिकली बिल्कुल हरकत ही ऐसी है, सब कुछ सोच समझ के पढ़ पुढ़ के मैं तो बोलता तब करना चाहिए, और बहुत प्राउड मोमेंट है लिटरली। अगर तुम लोग नहीं मानते ना कि यार ऐसा क्या हो गया, क्यों प्राउड मोमेंट है, तो एक बार जरा गूगल ही कर लेना कि हमको इससे क्या क्या फायदा है इंडिया को। चलो थोड़ा सा तो जाम मूव हुआ है अपना, एंड जब भी इस मूड पे आता हूँ ना मैं, इस पूरे टक्कर पे, आकाश इंस्टीट्यूट है ना बगल में, ये बस नॉस्टैल्जिक फील ही देता है मुझे, पर वही है कि यार बायजूस ने तो आकाश को खरीद लिया है, बस वही से थोड़ा सा मूड खराब भी होता है, सोचे कि यार बायजूस ऑनलाइन और कहाँ ऑफलाइन, ना यार बताओ क्या हो रहा है, कोई नहीं चलो फटाफट से रोहिणी चलते हैं, मुझे पता भी नहीं पेट्रोल खींच पाएगी नहीं खींच पाएगी, बहुत दिक्कत है ऊपर से इतना जाम में, ब्रेक और जितना लगाऊंगा इतना पेट्रोल खाएगी गाड़ी। बेशक लेट हो रहा है, पर मैंने यार विकासपुरी से पेट्रोल भरना सही समझा कि बेशक 1500 भी क्या, एक्चुअल 1500 का पेट्रोल भरवा रहे हैं, ठीक है अभी देख लो अराउंड 1000 के आसपास भरा है,
तो थोड़ा भरवा लेते हैं, मतलब इस बार फुल नहीं करा रहा क्योंकि यार अपनी YouTube की जो पेमेंट है वो भी कुछ दिन में आने वाली है, तो फिर हम फुल कराएंगे ना, क्यों ना इस बार थोड़ा सा बचत करके चले, करना पड़ता है जानते ना गाइस। तो इस गाड़ी का शूट हमने पहले कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एंड मुझे भाई मैंने अभी देखा है कि यार तुम भी जिम जा रहे हो, देख के लग रहा है कि बढ़िया जिम चल रही है। अभी तक तो बढ़िया चल रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे तुम मुझे देख के इंस्पायर्ड हुए कि हाँ चलो अगर इस आलस के पेड़ ने जिम जाना चालू कर दिया है तो क्यों ना हम भी जाएं। नहीं मेरे दोस्त यार में बहुत सारे बंदे हैं ऐसे यार जो मुझे देख के जिम, उनको लगा ही नहीं था मैं कभी जिम जाऊंगा। इंस्पायर्ड हो रहे हैं। हाँ हाँ मोटिवेट। अगर मैंने जिम चालू नहीं किया होता ना, अगर तुमने चालू, मैं फिर तुम्हें देख के इंस्पायर्ड होता कि यार अब तो कंपटीशन बढ़ रहा है भाई, तुम मोटिवेट कर रहे हो दुनियादारी को कि जिम जाना जरूरी है। अच्छा ऐसा है क्या? जैसे भाई मान लो मैंने छूटते ही भाई से एक चीज पूछी थी कि यार भाई ट्रेडमिल में कितना मिनट कर रहे हो आप? जैसे मैं आपको बताऊं मैं ट्रेडमिल में करता हूं 15 मिनट, ठीक है, बोलने वाली बात है, 10 मिनट के ऊपर जैसे ही 1 किलोमीटर डन होता है ना वैसे मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। अपना क्या है भाई, पहले 10 जितना देख के लग रहा है 10 मिनट तो 10 मिनट जाते ही होता है। हाँ। उसके बाद सारा चीजें करने के बाद, कार्डियो वगैरह सारी चीजें करने के बाद, प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद 10 मिनट, उसके बाद पीटी के लिए फोर्स नहीं कर रहे? बहुत कर रहे जिम को मैंने है कि यही देख लिया भाई कि आप जिम जाओ पीटी के लिए इतना फोर्स किया जाता है। अब मेरे जिम वाले भी वीडियो देखते हैं एक आध, ठीक है, सर आपको नहीं बोली जा रही है चीज, इनके जिम वालों को बोल रहा हूँ मैं कि 10-15 हज़ार तो होता ही है पर महीने का, नॉर्मल है भाई। मैं लगता है तुम्हें लेना चाहिए पीटी भाई। देखो देखो ऑडियंस तो हाँ बोल रही है, मुझे यहाँ पे लाइव चैट आ रहा है पता नहीं क्यों, ऑडियंस बोल रही है हाँ पीटी के बगैर नहीं हो पाएगा, मुझे पतला पर उस पे कैमरा ऑन कर लियो अपना, फोन ऑन कर लेना। अरे मैं बता रहा हूँ फोन ऑन कर लो, खराब कर दिया। नंबर है तेरे पास उसका? नंबर है ना उसका? 77 करने हैं। चलो यार अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, एंड व्हाट अ सरप्राइज, अपनी लोकेशन के बाहर पुलिस वाले हमारा वेट कर रहे हैं क्या? पता नहीं गाइस, ये तो देखो तुम लोगों के साथ ही बता लेगा, मैं पूरा रॉ रखूंगा इसे, है ना। और ये आइडिया जो है भाई, ये बंदा स्पीड स्पीड मारता है यार तू, एक बार मैंने पहले भी देखी थी ये चीज, भाई ने बोला कि कैमरा ऑन कर लेना। नहीं नहीं यार बेहतरीन, ये सिर्फ शूट के लिए ही होता है। हाँ हम यार गाड़ी कैसी लग रही है अंकल जी? क्या पूरी गाड़ी कर रहे हैं? अरे शूट के लिए अंकल जी, वीडियो के लिए। मैं तो निकल गया था पुलिस से बात करके, तुम्हारा कैसा रहा था? पूछा कैसे लग रही है, थोड़ा बहुत छूट मिल जाती है भाई। बहुत बार उल्टा पड़ता है, मैं खुद गवाह हूं चीज का। ये देख दे, सेम वक्त पे कैमरा निकाल लेगा देख भाई, तो आपका भी कंटेंट है, हमें भी कंटेंट शूट करना है भाई। मुझे पता क्या लग रहा है बब्बर भाई, गलत जगह बैठा है, आप आ जाओ इस तरफ, ये लग रहा है प्रॉपर भाई सेठ आदमी है। मैं वही बैठा था यार, सुबह से वही बैठा हूँ। अच्छा चेंज हुआ है वो चेयर थोड़ी कमजोर हो गई होगी, तो ये भाई, तो नहीं आ गए भाई, ये दोनों को मतलब ये नहीं बैठते अंदर भाई, चेयर तो कोई और कमजोर हो गई है। मन्नू भाई देखो मैं इस बात से, अच्छा मन्नू तुम ये बताओ मुझे, तुम्हें मेरा वजन कितना लगता है? आज हो जाए खुलासा, एक मिनट, अब एक नहीं, अब कैमरा, अब कैमरा ऑन चाहिए, ठीक है बढ़िया से मन्नू भाई, बंद भी हो जाता, वेरी गुड, ऑन रखो। 90-95 मुझे अच्छा लगता है वो ऐसे बोलता है ना मेरे को कि मैं 100 से कम का हूँ, और जब मैं इसको बता दूंगा मैं कितने का हूँ तो मन नहीं बोलेगा कि भैया भाई का 90-95 वेट लग रहा है, मिनिमम 110 है, शर्त लगी 90 प्लस तो मेरा है भाई। खोल दूँ राज मन्नू, खोल दो 120 मन्नू का वेट मुझे लग रहा है अराउंड, पतला तो बहुत है, 50-55 से ऊपर नहीं होगा, 60 बढ़िया, इसका कन्फर्म की 125 के आसपास ही होगा, 125-30। हाँ भाई मेरे मार्क हेनरी रोहिणी के, जरा हो जाए जरा बता, देखो अब बुरा नहीं माननी, ठीक है जरा अब बुरा, अरे बुरा मानने वाली बात नहीं है, अब रिवील करना है। रिवील क्या करना है इसमें? तुम्हें पता है मेरा वेट? मैंने अभी बताया था नहीं, तुम्हें पता है मेरा सच्चा नहीं है यार, उससे भी ज्यादा हो सकता है क्या? बोल सकते हैं उससे भी ज्यादा हो सकते हैं लोग, कम तो मेरा नहीं यार, मुझे तो मनु सुन के जाएगा 150
150 फोकस करो कैमरामैन फोकस करो। और भाई ये झूठ निकला फिर भाई इससे ज्यादा होगा तो क्या कर सकते हैं फिर नहीं कम हुआ फिर इससे कम गाड़ी छोड़ के जानी पड़ेगी आज गाड़ी छोड़ जानी पड़ेगी भाई 110 है भाई लो मैं तो कह रहा था 50 है माना ही नहीं कोई 50 गाड़ी छोड़ता भाई बोल भाई मोनू को बोलना चाहूंगा मोनू आई फील यू नहीं 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 भाई वो कह रहा है 50 है तू गाड़ी छोड़ जा लेके भाई कह रहा है 50 है मुझे मेरी गाड़ी नहीं छोड़नी मुझे जिस गाड़ी में बैठ गया वो गाड़ी तो फिर छूटनी है वो गाड़ी कौन चला पाएगा फिर भाई वो छुड़वा देते हैं हम गाड़ी केन भी तो था केन नहीं खली 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 तो आप पे झूठ होएगा ना तभी तो बोल रहा हूं मैं खली इसको कौन बोल सकता है भाई की हार्ट तभी तो बोल रहा हूं खली मैं थैंक यू गाइस इंडियन इंडियन फॉरेंस भाई कलर टोन भी तो वैसे ही है मैं तो ये देख रहा हूँ एक व्लॉगर को बातें बनाने के लिए कहाँ कहाँ तक फैट शेमिंग तक पहुँचना पड़ता है गाइस हम इन जनरल रियल लाइफ में ऐसी बातें नहीं करते बता देता हूँ जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट ये सिर्फ कंटेंट के लिए खोला गया है हमारा फोन हाँ बिल्कुल जो तुम्हें मेरा भी वजन पता लग गया है और भाई का भी ठीक है ये बातें सिर्फ अकेले में होती है। हेलो, ये फसल है भाई। आज भाई ऐसा है मास्टर बटर भाई, आज गाड़ी छोड़ के जाने वाले अपनी लग रहा आज फंस गए मास्टर बटर भाई। मैं अपनी गाड़ी छोड़ के चले आऊँ, मैं बता रहा हूँ थोड़ा वेट कर, मेरी ओमनी लेके आऊंगा मैं, वो छोड़ के चले आऊंगा बेशक, और कल को काम चाहिए उसमें पूरा फिर ठीक है भाई। अब बताइए इसके बाद कौन सी बात, वो तो गाड़ी हमारी है, अब जो काम कराएंगे फिर हर रोज चाहे वो मॉन्स्टर पे खड़े रहे। मैं तुझे अपना एक मिनट मैं तुझे अपना फोन दूंगा तो मैं गाड़ी उतार आऊंगा ना, रिकॉर्ड करियो कौन सा रोक लेगा मुझे मेरी गाड़ी में बैठते हुए ठीक है सिस्टम। अब बता भाई तुम सिस्टम के फैन हो, मुझे एक चीज बताओ ठीक है, मैंने दो बातें सुनी है, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा ठीक है, और दूसरी मैंने सुनी सिस्टम पार देंगे, क्या लॉजिक बन रहा है, तुम सिस्टम पार्ट भी रहे हो और तुम सिस्टम के नीचे भी रह रहे हो, मतलब तुम उसी सिस्टम की बेइज्जती कर रहे हो कि सिस्टम पहले पार दिया और सिस्टम के नीचे भी, ये मेरा डाउट है। सिस्टम ही सिस्टम हो रही है, नहीं यार मैं ये मेरा डाउट है कि मैं सिस्टम को फाड़ भी रहा हूँ, मैं सिस्टम के नीचे मैं कितना ज्यादा निहाय दो टाइप के सिस्टम है, एक है प्रोटोकॉल ठीक है, अच्छा नॉर्मल सिस्टम, कोई उल्टा बोलेगा तो हम सिस्टम पार्ट देंगे। यार मुझे लगता है सिस्टम यहाँ पे इतना हो गया ना, बंदों ने सोलर सिस्टम म्यूजिक सिस्टम और कौन ये सिस्टम लोग भूल गए हैं, ये सिस्टम भूल गए हैं भाई, सिस्टम क्या होती है, सिस्टम एक मिनट, सिस्टम की स्पेलिंग है भाई SYSTUMM कुछ लोग होते हैं जो सिस्टम को बोलते हैं सिम्टम्स, वो क्या है वो भाई एक बार सामने आए फिर हम सिम्टम हम दिखाएंगे उन्हें, तो भाई जितने लोग जितने लोग बोलते हैं नहीं नहीं अरे मैं क्यों बोलूंगा सिम्टम्स, जितने लोग ये बात बोलते हैं ठीक है, मोनू भाई रोहिणी से राव 0085 जो पाड़ सके वो पाड़ लेना ठीक है, बाकी कोई भाई आज देखो बाकी कोई सिम्टम्स नहीं बोलने वाला, भाई को पकड़ लो आज पता ही ले पकड़ मुझे ये तो मुझे पकड़ लेगा, मुझे पता है कंफर्म है, फिर मैं इसको नहीं पकड़ पाऊंगा कैसे भाई, मैं इसको कैसे पकड़ पाऊंगा भाई, आज शटर गिरो ओ भाई भाई सीलिंग में ना टच हो जाना आ जा अलग ही हो जाए सीलिंग पे टच हो जाओ तू, मैं तो वेट कर रहा हूँ कब शटर गिरेगा और कब मैं सारे सामान चुरा चुरू के सिस्टम पार दूंगा। भाई चोरी की बात होता क्यों कर रही है, ओमनी भी तो कम्प्लीट करनी ये पूरी कंप्लीट होनी है भाई, तुम ओमनी छोड़ के जाओ, चलो आपके नाम पे ही तो होगी। हाँ मेरे नाम पे, मुझे एक मिनट सोचने दो पहले, मेरे नाम पे है कि नहीं, फर्जी आरजी, अबे नहीं यार उसका आरजी ट्रांसफर होने वाला था शायद से मेरे नाम पे ही, जिसे आपके नाम पे छोड़ जाना फिर क्या करोगे, हम क्या करेंगे, पुलिस करेगी जो करेगा तुम्हारा, क्यों ओमनी से भाई सिर्फ किडनैपिंग होती है और कुछ नहीं होता, बच्चे किडनैप भाई, मोनू भाई का नाम है मोनू राव, जरा मन्नू जरा इनको बता दो कि ओमनी से सिर्फ किडनैप, इधर दिखाओ, ओमनी से सिर्फ किडनैपिंग नहीं होती, ओमनी इज आल्सो एन एम्बुलेंस कार ठीक है, ये बंदा बहुत गलत बोल रहा है ओमनी को, तो जरा हो जाए फिर सिस्टम हैंग पैंग कर दो भाई का, और यही पे आप जनता सिस्टम हैंग पैंग कर रहा है, तुम किसकी जनता, मेरी हो ना, बस ये छोड़ दो जनता भाई, 1% कीटाणु छूट जाते हैं ना, जनता चेंज हो गई है, जनता जनती अंडे जो बढ़िया चलेगा उसके पीछे जाएगी तो भाई, सिस्टम आजकल जनता सिस्टम की सिस्टम, यार भाई जनता का तो बोला, मैंने तो बोला कि मैं सिस्टम की जनता नहीं हूं भाई, पर सिस्टम की जनता हो तुम तो सिस्टम कर रहे हो, सिस्टम है भाई, पर मुझे एक चीज जाननी है कि यार मुझे सबसे पहले बता दो
कि मेरी ओमनी यहाँ पे छूटेगी, ठीक है, उसमें क्या होगा काम भाई? काम तो देखो ये करने वाले हैं, काम बर्बाद करने वाले हैं। नहीं नहीं, काम ये होने, काम ये करेंगे और सिस्टम का काम भाई करेंगे, वो है म्यूजिक सिस्टम। ठीक है भाई, क्लियर कर दो भाई। तुम तो मैसेज कर रहे हो एक लड़की उठवानी है, वो हमारे पास देखो, उसके लिए इंस्टाग्राम नहीं, उसके लिए भाई का व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वो पर्सनल टॉक करो भाई को, घर से डालो भाई, व्हाट्सएप कॉल करना, रिकॉर्डिंग चलती है आजकल। और कुछ मनु? बढ़िया बढ़िया बात। तो पता है 10 मिनट का व्लॉग हमने इकट्ठे यहाँ पे बेचारे बंदों को यूज करके और सिस्टम को यूज करके हमने 10 मिनट का व्लॉग यही बना दिया है। सारे लोग सिस्टम की चले हैं, सिस्टम ही सिस्टम यार, कालिया भाई हो गया है, और नहीं लिख रहा है यहाँ पे, सूट नहीं कर रहा है कालिया, तो देख तेरे पे सूट कर रहा है ये बात तो गलत। ठीक है भाई, कल तो फ्राइडे ही है। अच्छा चल ठीक है, बाय। चलो ठीक है ब्रो, डन, मिलते हैं, बाय बाय। चलो भाई, कुणाल भाई को भी साथ में पिक कर लिया था हमने, जब भी रोहिणी आता तुम जानते हो यार, कोशिश करता हूँ मैं कुणाल भाई को ले लूँ, बात करते हैं अपना, बढ़िया आगे। एंड देख लो आज बंदे ने फॉर्मल पहन रखा है, आगे बाजार है तो इसलिए आगे से क्या जाना, पीछे से ही निकलते हैं। तो बैक करूँ मैं, घर जाके एडिटिंग करनी यार, आज भी एडिटिंग करना हो गया यार। वीडियो अपलोड करते करते 11 बज गए हैं, दीदी देखो यहाँ पे जगी हुई है, मैं भी जगा हूँ, पर समय के हिसाब से हमारी मम्मी को तो सो जाना चाहिए था ना अभी तक, है ना? ये देख लो फोन छेड़ रही है यहाँ पे, सोती है ये जो पार्सल है, ये पार्सल मुझे यार अराउंड 2 दिन तो हो गया है, पता नहीं कभी तो मिलने गया यहाँ से। तो मैं मम्मी से पहले बोलना चाहूंगा ये सरप्राइज है, क्योंकि सरप्राइज सुनते हैं मुझे लग रहा है चार तक क्या बड़ा चीज दिखा रहे हैं, दिल टूटने वाला मम्मी का। नहीं नहीं मम्मी, तूने पूछा नहीं तुमने अहमदाबाद गया था कि मेरा आधार कार्ड वगैरह सब था कि नहीं, तूने पूछा नहीं है। अभी तेरे से कल परसों पूछी हूं ना कि मेरा आधार कार्ड कहां है, तो तू बोला कि है हमारे पास है, हम कहीं ना तेरे पास में है ना। तो मैंने टाल दिया था, मेरा आधार कार्ड एक्चुअली छूट गया था अहमदाबाद, मैंने लोगों को भी नहीं बताया था, मतलब अगर मैं इसे बता दूंगा तो कहीं तूने वीडियो देख ली तो पता लग जाएगा ना, कितना घटिया लड़का है। किसके पास छूट गया था? वही जो गया था ना शूट करने लंबोगनी तन्ना के पास, तो उसके पास कैसे छूट गया, तू उसको दिया था क्या? अबे वो होटल गया था ना, तो होटल वाले रख लेते हैं ना, तब पेमेंट नहीं होती, तो बस लेना भूल गया था जाते वक्त। इसके अंदर क्या है फिर, तू क्या मैंने तेरे को, मैंने मम्मी को तभी बताना चाहा कि यार कहीं ऐसा ना हो ना कि मम्मी को पहले बता दूं और फिर सुनाते रहे एकदम, मतलब खिंच खिंच करते दिमाग में। तो मैंने जब आ जाएगा आधार कार्ड तभी दिखाऊंगा कि हाँ देखो आधार कार्ड छूट गया था, रिएक्शन भी ले लेंगे, पर आ भी गया। मैं कल ही पर्सन पूछी तो कहा है हमारे पास है, हमारे पास अब कहा है, ना पर्स में है ना, ना पर्स में चेक कर लिया था। हाँ अपने आप को समझ गया कि तू तो कितना लापरवाह आदमी है, है क्या बोल रही है, आधार कार्ड छोड़ देता है, इतना ध्यान नहीं रहता है। लेकिन ले अब मेन चीज ये है, छूट गया लेकिन मंगा लिया ना, सूट सब मेरे एकदम बढ़िया। चलो गाइस आधार कार्ड आ गया है, ये मम्मी ने बनाया पनीर सब्जी, बढ़िया से पनीर सब्जी खाएंगे भाई, वीडियो एंड करते तुमसे, डेली ब्लॉग्स हैं याद रखना, ठीक है। मेरे को दो दो चैनल संभालना पड़ता, मैं लिटरली उतार रहा हूँ, तुम लोग अगर मेरी स्ट्रगल साइड की स्टोरी सुनोगे ना, मिहिर गर्ल चैनल पे अपलोड करके फिर निकलना होता है, फिर वही दिन चल रहा है अपना ब्लॉग बना के, फिर वहाँ पे अगर कोई गाड़ी का एपिसोड, जैसे आज हमने 2 एपिसोड बनाए, एक स्विफ्ट और होंडा सिटी का, तो वो कंप्लीट करने के बाद फिर ब्लॉग, फिर जैसे कभी मिस आता है एडिटिंग करना, तो घर आके एडिटिंग, फिर अपलोड, फिर दोबारा ब्लॉग, तो तुम लोगों के लिए मैं दो रही तुम लोगों के लिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाना है 2.0 चैनल, इस चैनल पे भी एंड अपना प्यारा चैनल मिहिर गर्ल के वीडियो के, मैं सबसे ज़्यादा मेहनत तो उसके लिए करता हूँ, बाकी तो ब्लॉग तो चलता रहता है यार। ये थोड़ा सा हमने वैसा कर दिया कि ऐसे हमने वैसा चैनल रखा हमने ब्लॉग का ना, कि मैं सिनेमैटिक्स ले रहा हूँ, मैं टाइम लैप्स ले रहा हूँ, सिनेमैटिक ब्लॉग ना आ रहा, ये तुम वीडियो बना रहे हैं, ये बस इसलिए बना रहे हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी से एकदम परिचित रहो, है ना, ये हमारा मास्टर बटर का बिग बॉस है। थैंक यू गाइस, खाने खाते हैं, सोते हैं, तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कल देखना, कल का भी कुछ प्लान है, कितनी मेहनत लगते हो इसमें सोचते हो, हर दिन अलग अलग कुछ प्लान, कभी का प्लान नहीं भी हो पाते तो उस दिन थोड़ा मैनेज कर लिया करना, ठीक है। चलो एंड करते हैं व्लॉग को, लाइक शेयर सब्सक्राइब ट्रीटमेंट जाएंगे भाई, डबल जो तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और हाँ क्या बोलती मास्टर, दादा की पब्लिक बोले तो कमेंट्स पर आ जाना चाहिए, बोले तो।